क्वेश्चन क्या है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज ऑफ 3.2 × 10^7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्या बोला है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है ठीक, जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर का है ठीक, इस पर चार्ज क्या है इतना है, और बोल रहा है कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर यानी कि आउटसाइड, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं ये जो आउटसाइड होता है मतलब आउटसाइड, ये आउटसाइड का क्या होता है, ये Q1 Q2 मतलब K Q अपॉन क्या होता है आर, यहाँ पे क्या होता है स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर मतलब ये ठीक, ये तो रेडियस इसका कैपिटल आर हम लोग बोलते हैं जबकि इसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं, यानी क्या होता है K Q अपॉन r स्क्वायर। तो ई आउटसाइड की हम बात करेंगे तो ई आउटसाइड क्या हो जाएगा, क्या होता है 9 × 10^9 और क्यू की वैल्यू कितना है 3.2 × 10^-7 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 15 × 15 क्या हो गया 10^-4 लिख सकते हैं इसी को आर स्क्वायर की जगह पे, आर क्या होता है स्मॉल आर का स्क्वायर होता है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 15 × 15 और सेंटीमीटर है यानी 10^-2 × 10^-2 इसको ये लिख सकते हैं ओके। तो ई ऑफ आउटसाइड क्या होगा, ई आउटसाइड क्या हो जाएगा 9 × 10^9 ठीक ओके, 9 × 10^9 को यहाँ से कट हट गया तो क्या हो गया 9 × 3.2 × 10^2 अपॉन 15 × 15 ये ऊपर चला गया 10^4। अब देखिए ये 9 यानी 3 है, एक 9 से क्या हो गया यहाँ 3 हो गया, यहाँ हो गया 5, एक 3 से एक 3 गया यहाँ क्या हो गया 5 ठीक, यानी क्या हो गया ई आउटसाइड क्या हो गया 3.2 × 10^6 ठीक अपॉन क्या हो गया 25 ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3.2 × 10^4 × 100 कर सकते हैं अपॉन 25, 25 × 100 और 32 जा कितना होता है 12.8 हो जाएगा × 10^4, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.28 × 10^5 ठीक। तो आंसर इज क्या होगा 1.28 × 10^5 एंड आंसर इज हमारा होगा आंसर ए, ए इज करेक्ट आंसर।